अथवा ROP गाय व भैंस में एक प्रमुख समस्या है। गर्भाशय में गर्भस्थ शिशु गर्भाशय के प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। यह जोड़ 100 से 125 तक होते हैं, जिसे प्लेसेंटोम कहते हैं। प्लेसेंटोम के गर्भाशय वाले भाग को कैरेंकल कहते हैं और शिशु वाले भाग को कॉटिलेडन कहते हैं। यह जोड़ मां से शिशु को पोषक तत्वों का संचारण करता है। गर्भस्थ शिशु गर्भ में बहुत तेजी से विकसित होता है। गर्भावधि पूर्ण होने पर प्रसव होता है और सामान्यतः प्रसव के 6 से 24 घंटे के बाद प्लेसेंटा अथवा जेर बाहर निकल आती है। जेर का पूरी तरह से बाहर आना जरूरी होता है। जेर का कोई भी बचा हुआ भाग गर्भाशय में संक्रमण कर सकता है। जेर के इसी अटके हुए भाग को ROP कहते हैं। ROP का मुख्य कारण गर्भाशय के मांसपेशियों में कम संकुचन, प्लेसेंटोम में सूजन। अटका हुआ जेर गर्भाशय के बाहर लटका हुआ होता है, जो कि गोबर, कीचड़ वो पेशाब से लगता रहता है, जिसके कारण गर्भाशय में संक्रमण होने की संभावना होती है। अतः ROP के चलते पशु में मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस और पायरोमेट्रा होने की संभावना बढ़ जाती है। ROP के इलाज के लिए सामान्यतः हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं अथवा हाथ से निकालना पड़ता है, लेकिन इलाज के इन तरीकों से जेर पूर्णतः नहीं निकल पाती है। जैसा कि हार्मोन के इंजेक्शन से केवल गर्भाशय के मांसपेशियों में संकुचन बढ़ता है, लेकिन कॉटिलेडन और कैरंकल की सूजन कम नहीं होती है। अंततः जेर को हाथ से निकालने की जरूरत पड़ती है। जबकि जेर को हाथ से निकालने से कभी कभी गर्भाशय में चोट लगने की संभावना तथा संक्रमण होने की संभावना होती है। इसी कारण से हाथ से जेर निकालने के बाद बची हुई जेर को गलाने के लिए तथा संक्रमण से बचाने के लिए गर्भाशय में दवा डालनी पड़ती है। इन सब के अलावा हाथ से जेर निकालने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। अतः हमें ROP के इलाज के लिए एक ऐसी दवा की जरूरत है जो कि जेर को हाथ से निकालने में लगे प्रयास को कम करे तथा जेर को आसानी से निकालने में मदद करे। ROP के संपूर्ण समाधान के लिए इसे घुलने में मदद करती है। रोपिटास गर्भाशय में जल्दी से घुल जाती है तथा कॉटिलेडन व कैरेंकल की सूजन को कम करती है और गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाती है। जेर को घुलाने के साथ साथ रोपिटास एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल की तरह भी काम करती है। रोपिटास 5 शक्तिशाली हर्ब का मिश्रण है जो कि ROP के इलाज में महत्वपूर्ण काम करते हैं। हर्ब जैसे कि क्वेरकस इन्फेक्टोरिया, मेंथा पिपेरिटा, टंकन शाह और करक्यूमा लोंगा प्लेसेंटोम के सूजन को कम करते हैं। टंकन शाह और सिसम प्लोस परीरा गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाते हैं। हर्ब जैसे कि करक्यूमा लोंगा और टंकन शाह एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। ROP के इलाज में